सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल साइंस 2.0। मैं लेके आ गया हूं करंट अफेयर्स का ये लेक्चर नंबर 8। हम लोग लेक्चर नंबर 7 तक एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही बढ़िया अंदाज में एकदम 7th लेक्चर तक हम लोगों ने खत्म कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक है आप जाके जरूर से देख लेना अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट आए हो। और मैंने बाकी सब बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन, ये सभी चीजों का मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 8 साइंस 2.0 लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। तो आज का भैया पहला मोटिव जो है वो है कुछ हम लोग देखने वाले हैं भैया फॉर्मूला। क्या देखने वाले हैं? कुछ फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूले ही मतलब फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म है ये। और दूसरा हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा लॉ, एमबीए स्विमिंग पूल है, ओएचकट है और राइट हैंड ग्रास्पिंग वाले लोग इतना ही करेंगे, 3-4 लॉ कर लेंगे और फॉर्मूला देख लेंगे एक बार। फॉर्मूला भी बहुत सारा है तो पहले तो नजर मार लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने फॉर्मूला में अब तक क्या कर लिया और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो भैया पहला, सबसे पहला बुक खोलोगे सबसे पहला पेज में आपको यही मिलने वाला है, विच इज कूलम्स लॉ। क्या है ये? कूलम्स लॉ। फिर दूसरा अगर आप चलोगे तो आपको मिलेगा, है ना, V इक्वल्स W बाय Q, जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पढ़ा था, है ना। और तीसरा आपको मिलता है ये भी हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस में, किसमें पढ़ा था हम लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था। और फिर चौथा जो हम लोगों को मिलता है वो वो होता है Q इक्वल्स टू आई टी, जो चार्ज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? चार्ज का फॉर्मूला है। फिर अगला हम लोगों ने जो फॉर्मूला किया था वो कौन सा किया था भाई? वो हम लोगों ने किया था V इक्वल्स टू आई आर के ऊपर, जो कि ओम्स लॉ बतलाता है ना। फिर जो छठा फॉर्मूला हम लोगों ने किया था वो किया था हम लोगों ने इक्वल्स टू आई बाई आर प्लस आर, जो कि था रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तक हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तक का रिलेशन भी देख लिया था, उसका डेरिवेशन भी किया था, है ना। अब इसमें देखते हैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन सा है। ये तीन आपसे कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछेगा। बात ये भी कि आपसे कभी भी ये तीन फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे कभी नहीं पूछने वाला है, ये आपसे कहीं भी मर्ज करके पूछ देगा, या तो ये दोनों फॉर्मूला को एक संग करके पूछ देगा या फिर इन दोनों मतलब किसी के साथ भी वो कॉम्बिनेशन बना के आपसे पूछ देगा, है ना। हम लोग ने अगला फॉर्मूला क्या किया था भाई? करंट का आप लोग जरूर से फॉर्मूला लिस्ट जरूर से बना लेना, करंट में फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा है ना। तो हम लोगों ने शायद छठा नंबर पर ये किया था फॉर्मूला, शायद जो भी, तो हम लोगों ने उसके बाद किया था जो किसका था भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन का। किसका था?
सीरीज कॉम्बिनेशन का। फिर हम लोगों ने अगला किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का। है ना, ये मैं थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये हमेशा से रहे, है ना, हमेशा ही रहे, ताकि आप इसे एग्जाम तक तो कतई ना भूलो, है ना। मतलब यही 7-8 फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। और ठीक पिछला लेक्चर जो हम लोगों ने किया था वो था BOT इक्वल्स W/H/Y, जो हम लोगों ने घर का इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करने के लिए बताया था, उन्होंने किया था। क्या निकालेंगे भैया? इलेक्ट्रिक बिल। और जो हम लोग आज करने वाले हैं, साइरी करंट का लास्ट फॉर्मूला है अब तक का, और सर इसके बाद है मे बी और मे नॉट, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी पर पावर इनटू टाइम। अच्छा, यहीं से आप ना बिल भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने बिल निकालने का ये इजी तरीका बताया ताकि आपके दिमाग में ज्यादा मतलब परेशानी ना हो। इसको मैं नहीं बतलाऊंगा क्योंकि एक तरीका ही, ये बहुत ही इजी है, ये थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा आपको, तो इसमें थोड़ा माथा पच्ची है, इसी के लिए हम लोगों ने इस फॉर्मूला से किया है ना। लेकिन ये भी एक आप फॉर्मूला जान के रखो, कहीं आपसे MCQ में पूछ दे, है ना। अच्छा, हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह W लिख सकते हैं, है ना, एनर्जी का यूनिट वाट, वाट लिख दो आप और PT, तो आप इससे अब आप याद रखो। अब हम इसी का काम करेंगे, बोर्ड रफ करते हैं और जल्दी से इस फॉर्मूला पे आते हैं, इस फॉर्मूला पे अब आते हैं। तो फॉर्मूला पे आते हैं भाई, क्या मैं वो फॉर्मूला दे रहा था, ये भैया जो P है वो W/T के बराबर है, वो W/T के बराबर है ना, से एक साइड लेके आते हैं। यहां तो पहले लिख देते हैं P इक्वल W/T, क्या लिखते हैं W/T। आज जो फॉर्मूला होगा वो करीब 5-6 फॉर्मूला हो जाएगा, इसी W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कुछ आप लोगों को याददाश्त आप लोगों को बढ़ाने के लिए, क्या आपको कितना याद है पहले का। W की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी तक कुछ देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया, लिख सकते हैं, लिख देंगे भाई हम लोग, है क्या लिख सकते हैं VQ/T, ठीक है। फिर अगला हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू के जगह हम लोग क्या पढ़े थे भाई, ये किया था हम लोगों ने Q=IT, यहां भी बैठा देते हैं, जो हमको काट के दे देगा VR, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और एक चीज पे आते हैं, V के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR, है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, तो लिख देते हैं I और I ये इनटू हो जाएगा I2R। तो आपको ये इतना फॉर्मूला मिल गया, पहला नंबर पावर के साथ इसका रिलेशन, दूसरा नंबर पावर के साथ इसका रिलेशन, तीसरा पावर के साथ इसका, चौथा पावर के साथ इसका, है ना। ये बोलो या ये बोलो, PT कट जा रहा है, एक ही बात। तो भी हम लोगों ने करीब 4 फॉर्मूला कर दिए इसी बेस पे। अब एक दफा और आते हैं इसी पे, हम लोगों ने कहां तक किया था भाई, अब तक P=W/T दिया हुआ था, है ना, कहां तक किया था हमने, P=VI, याद कर लो VI तक पहुंचे थे, वाट कॉट आए थे, VQ लगाए थे, फिर TP हम लोग काट दिए थे और VI बच गया था अपने पास, है ना, देख लो भाई पिछले ही वाला हम लोगों ने किया था। अच्छा, अब आई के जगह हम लोग आई को भी तो तब्दील कर सकते हैं, आई को भी हटा दें,
मतलब रिप्लेस करते हैं तो V बाई आर लगा सकते हैं, है ना, V बाई आर लगा सकते हैं। और ये पहले से तो एक V इंटू V था, V क्या हो गया, ये V स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या मिल गया, आर को आर निकालना तो V स्क्वायर हो गया, अगर V स्क्वायर निकालना होगा V आर। तो मतलब अब आपको ये रिलेशन भी याद करना जरूरी है, ये रिलेशन भी आपको याद करना जरूरी है, एकदम जरूरी है। इसके बेस जो न्यूमेरिकल है हम लोग करने वाले हैं डीपीपी सेक्शन में, इससे बेस जो है ऐसे अगर आपका डीपीपी मुझसे अगर हुआ, मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन मिला बढ़िया वाला, तो मैं डीपीपी में, मैं डीपीपी जो आज का होने वाला है मैं उसे दे दूंगा। अच्छा, डीपीपी पहले होता क्या है, जो डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं, डीपीपी होता है भैया डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो मैं एक हर एक लेक्चर के बाद खत्म होने के बाद मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैं एक लिंक दे देता हूँ, वहां से आप एक, वहां से आपको एक 10 न्यूमेरिकल मिल जाते हैं उसी टॉपिक पे बेस जो मैंने उस लेक्चर में पढ़ाया है, है ना। और उसे आपको लगाना होता है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 10 होते हैं और मिनिमम 6 या 7 होता है क्वेश्चन के लिए। तो हर एक लेक्चर के साथ एक आपको डीपीपी अटैच्ड मिलता है, और जिसमें नहीं होता है मैं उसमें बता देता हूँ। जैसे आज का डीपीपी आपको एकदम से मिलेगा, करंट का मैंने हर एक लेक्चर में, मैंने हर एक डीपीपी दिया है, हर एक एक डीपीपी आपको हर एक लेक्चर में मिलेगा। लाइट में मैंने दिया नहीं, लाइट में कुछ है ही नहीं डीपीपी देने लाइक। और बिहेवियर ऑफ गैसेस में हम लोगों ने भी दिया था, और केमिकल कैलकुलेशन में भी प्रोवाइड किया हम लोगों ने डीपीपी। और जो इसका जो डीपीपी है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो मैं एक डीपीपी सेशन बोल के बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डीपीपी डिस्कस होगा, है ना। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 डीपीपी जो मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में दिया था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। और जो आने वाला डीपीपी है 3 से लेकर अब तक जितना चल रहा है डीपीपी, उन सभी को मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें मैं बस डीपीपी का ही डिस्कशन करूंगा, ताकि आपको ये कम आपको ये मतलब फैसिलिटी मिले कि आप कभी भी वो वीडियो शुरू करो और आप देख लो, है ना। और एक बात कि भैया हमारा जो टीम है वो सोच रहा है कि भैया कुछ एक सीरीज लॉन्च किया जाए आप ही लोगों के पढ़ने के लिए, तो आप लोगों जो सिलेबस है वो बहुत ही जल्दी कवर करेंगे, मैक्सिमम नवंबर तक पूरा हम लोग कंप्लीट करने का टारगेट ले रहे हैं कि भैया नवंबर तक पूरा कंप्लीट कर देंगे और फिर कुछ सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें हम लोग 2-3 वीडियो में बना के पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ताकि आपको एक लास्ट में शॉर्ट रिविजन के लिए वो मिल जाए, है ना। आपके पास एग्जाम के बाद तो इतना टाइम बचेगा नहीं कि भी आप 7-8 लेक्चर लाइट के, मैंने 9 लेक्चर किया है, इसका 7-8वां चल रहा है, इसका 11 तक लेक्चर जाएगा, तो आप एंड मौके पे उतना लेक्चर देखो। तो एक शॉर्ट वीडियो बनेगा जो उतना तो डिटेल नहीं होगा लेकिन रिविजन के लिए एनफ होगा, रिविजन के लिए बहुत ही एनफ होगा, है ना। तो ये करते हैं भैया, नवंबर तक मुझे लगता है कि भैया सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि करंट में है। इसके बाद हम लोग चैप्टर सीधे 8 जाएंगे, 7 हम लोग बाद में आएंगे, पहले जो स्कोरिंग है अपना वो सिक्योर करते हैं हम आप। जैसे 8 चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, केमिस्ट्री वहां पूरा पोर्शन पड़ा हुआ है अपना, उसमें पूरा 8 चैप्टर पूरा केमिस्ट्री है, उसमें ज्यादा स्कोरिंग है नंबर, तो हम लोग पहले उसी में काम करेंगे और फिर आएंगे एटॉमिक न्यूक्लियस में, जो कि 2 या 3 नंबर का पूछता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ये 12 नंबर का पूछता है लाइट और करंट से। मैंने इसी के लिए इसका मैंने डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही डिटेल 9 लेक्चर मैंने उसका किया और इसका तो लेक्चर अभी चल ही रहा है, इसका भी डीपीपी भी बाकी है, तो करंट और बड़ा है। और लाइट करंट में तो भैया सभी बच्चे के मतलब 12-12 नंबर आ ही जाते हैं, है ना, इजी सा टॉपिक एकदम, करंट समझ गए तो भैया कुछ नहीं हलवा है आपके लिए, है ना। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया अब तक सीधा है टॉपिक का। और हाँ, एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था अभी देखते हैं, मैंने क्या आया था अभी के लिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू बी 220 वोल्ट एंड 100 वॉट एंड 100 वॉट देन What does it means? तब इसका मतलब क्या है, ये बतलाना है आप लोग। एकदम क्वेश्चन भैया आराम से पढ़िए आप लोग, कि भैया एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड
220 volt and 100 watt, then what does it mean? है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और अब मैं इसका दिखा देता हूँ। ये यूनिट टेस्ट में पूछा जाता है, अधिकतर स्कूलों के यूनिट टेस्ट में आपसे पूछ देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लेना, ठीक है ना। ये रॉक स्टार क्वेश्चन है, ये सब जो मैंने रॉक स्टार क्वेश्चन ये सब मैं जो बतला रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि भैया ये लॉजिक तो सिंपल कैरी करता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इसका मतलब क्या है तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो चलो लिखते हैं आंसर। इट मींस मींस दैट व्हेन वी स्विच ऑन द बल्ब ऑन 220 volt, then it consumes 100 watt। हम लोग अगर 200 volt के दौरान हम लोग अगर बल्ब जलाते हैं तो वो 100 watt पावर कंज्यूम करता है। इसका मतलब जो है यही सीधा साधा है। अगर आपसे कुछ भी यहाँ न्यूमेरिकल पूछे, 300 पूछ दे या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप यहाँ पे बस नंबर का चेंज कर देना और यही आंसर लिख देना। ये एक नंबर का अधिकतर पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम देखने में तो एकदम ये इजी लग रहा है। तो भैया अब बात करते हैं कुछ रूल्स की। जो पहला बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा रूल है कि भैया वो एक्सीडेंटली तो पहले वो डिस्कवर हो गया था, साइंटिस्ट का नाम था discovered by Hans Christian Oersted that when the electric current is applied into the conductor, a magnetic field है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है? एक्सीडेंटली डिस्कवर दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई? जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एक काम करो, यहाँ अप्लाइड की जगह पास्ट कर दो, पास्ट पर ज्यादा अच्छा लगता है। उनका क्या नाम था कि भैया उसका एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हो गया, वो डिस्कवर कुछ करना चाह रहे थे, हो गया कुछ, है ना। उनके हिसाब से अगर एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर या फिर कंडक्टिंग वायर, या फिर कंडक्टिंग वायर करना ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा अच्छा है वही करो भाई, कंडक्टिंग वायर। अगर एक कंडक्टिंग वायर में करंट अप्लाई करेंगे तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, बस सीधी सी बात यही है। अब आते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। ये रूल इतना पॉपुलर नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं शायद। एम्पियर स्विमिंग रूल आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। डाल लो हेडिंग भाई, एम्पियर स्विमिंग रूल, है ना। देखो साथ साथ, इफ अ मैन इज इमेजिन टू बी स्विमिंग अलोंग द
the wire in which the current is passed along in the direction of the current in the along the wire in the direction of the current which is face turned towards needle of the compass then the north pole of the compass is deflected towards is right hand left hand अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक आदमी इमेजिन किया जा रहा है कि वो जो स्विमिंग कर रहा है वो वायर के अलोंग स्विमिंग कर रहा है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और जो उसका फेस है वो कंपास के नीडल की तरफ देख रहा है मतलब है ना उसका फेस उस तरफ टर्न किया हुआ है तब जो नीडल ऑफ द कंपास है जब नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास है जो नीडल है नॉर्थ पोल का वो क्या होगा वो टर्न हो जाएगा कहाँ भाई वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ कहाँ हो जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ है ना लेफ्ट हैंड की तरफ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे कि मैं आपको बता के दिखाता हूँ मान लो ये कि एक आदमी है स्विमिंग कर रहा है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से और यहाँ एक कंपास है यहाँ एक ये क्या है भाई एक कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल है वो क्या होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब वो इस तरह स्विमिंग कर रहा है अक्रॉस द वायर ये बस सीधा साधा रूल ये तुम्हें लगता है समझ में आ गया होगा भाई अलॉन्ग द वायर थ्रो कर रहा है करंट की डायरेक्शन में तब जो नेट जो फेस है वो किसी तरफ है निडल ऑफ द कंपास की तरफ है तब जो उसका जो नॉर्थ पोल है कंपास का वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसका है ना अब एक लास्ट रूल आते हैं लास्ट रूल तो बोल सकते हैं राइट हैंड ग्रास्पिंग इसे लिखो अज्यूम दैट ए कंडक्टर is held in your right hand in your right hand so that the fingers were grasped along the conductor and thumb is stretched then the thumb indicates the direction of the current if the thumb indicates the direction of the current then the other fingers
fingers curled, curled. मैं इससे लिखता हूँ कि थोड़ा रिपल कम हो गया है मुझे लग रहा है. Curled around. Is called around the conductor indicates the magnetic field. बस यही रूल है. एकदम छोटा सा रूल है, मैं इसे थोड़ा फैला फैला के लिखा हूँ, इसी इलाके लग रहा है ज्यादा है. ठीक है, उसमें बोल क्या रहा है कि assume that a conductor is held in your right hand. अज्यूम कर लो कि एक कंडक्टर जो है आपके राइट हैंड में आप पकड़े हो उसे. सो दैट द फिंगर्स आर कर्ल्ड, कर्ल्ड ठीक है ना, कर्ल्ड अराउंड द कंडक्टर एंड द थंब इज स्ट्रेच्ड, कर्ल्ड अराउंड द कंडक्टर एंड द थंब इज स्ट्रेच्ड. इफ द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द अदर फिंगर्स देन द अदर फिंगर कर्ल्ड अराउंड द कंडक्टर इंडिकेट्स द बढ़िया से बढ़िया मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ. विच इज कर्ल्ड अराउंड द कंडक्टर इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड. मतलब बोल क्या रहा है कि अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मैं इसे राइट हैंड में पकड़ रहा हूँ, तो देखो ये जो मैं फिंगर कर्ल कर रहा हूँ ये इसका मैग्नेटिक फील्ड को बतलाएगा, और ये जो थम है ये इसका जो डिरेक्शन है करंट का वो बतलाने का है ना. आप भी करो, आप भी इसे ऐसे पकड़ो और खुद ही देखो ये जो फिंगर कर्ल है ना, ये जो मुड़ा हुआ फिंगर है, ये सब ये वाला जो हिस्सा, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बतलाएगा, और ये जो हिस्सा है ये जो थंब है जो इस तरफ जा रहा है वो करंट की डिरेक्शन को बतलाएगा, है ना. बस यही वो बतला रहा है. अगर फिर पढ़ लो डेफिनेशन, अज्यूम दैट ए कंडक्टर इज हेल्ड इन योर राइट हैंड सो दैट द फिंगर्स वेयर कर्ल्ड अलोंग द कंडक्टर and the thumb is straight. If the thumb indicates the direction of the current, the other fingers which is curled around the conductor indicates the magnetic field. है ना? पहले तो आपको मनवा लिया कि भी आप ये काम करेंगे, देखो तब आपको बता रहा है कि भी उसमें होता क्या है. मतलब पहले आपको बोला कि आप एक कंडक्टर लो, उसको पकड़ो, उसको इस वे में पकड़ो कि जो फिंगर है वो कर्ल हो आराम से और ये ऊपर हो, तो ये जो होगा वो डायरेक्शन बतलाएगा करंट का, और ये जो फोर फिंगर्स, ये जो चार फिंगर है ये जो सर कर्ल किए हुए ये बतलाएगा मैग्नेटिक फील्ड. आज का लेक्चर लेक्चर नंबर एट जो है वो यही एंड होता है, वो यही एंड होता है. लिख तो फिल्म की तरह भाई, द एंड. चैप्टर एंड नहीं हुआ, लेक्चर एंड हुआ. चैप्टर में तो अभी और बाकी है, और ज्यादा कुछ बचा नहीं है. और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बचा है जिसमें आपको यूं करना होगा, और आपको मैं समझा दूंगा कि भैया ऐसे किसको डेनोट करेंगे. ये इस तरह आपको पकड़ना होगा कि सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अभी मैं सब नहीं बताऊँ, तो वो आप अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग उसे, है ना. और जैसा कि मैंने कहा कि भैया हम लोग कोशिश कर रहे हैं नवम्बर तक पूरा जो है आपका सिलेबस पूरा कोर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो जाए, पूरा कोर्स, है ना. और उसके बाद हम लोग एक सीरीज, मैंने जो बोला वो मैं लॉन्च करूंगा, जिसमें मैं हर एक लेक्चर, हर एक चैप्टर का 2-3-4 ऐसे करके मैं लेक्चर बना दूंगा, है ना. जिसे आप लोग वन शॉट के तौर पे भी ले सकते हो, वन शॉट जिसे कहते हैं, है ना. वन शॉट होने से क्या होगा, आप लोग लास्ट में लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा. और अगर उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग एक स्टार क्वेश्चन का एक सीरीज बनाएंगे, इसका नाम रहेगा रॉक स्टार क्वेश्चन. रॉक स्टार क्वेश्चन का वो सीरीज होगा, सीरीज का नाम नहीं होगा. उसके क्वेश्चन जो होंगे वो रॉक स्टार टाइप के होंगे, कि भी आपको करके वो एकदम महान वाली फीलिंग आ जाए, वाह मैंने ये सम्स कर दिया, मतलब एकदम फील आप उसके ले पाओ. तो उसमें मैं कह रहा हूँ रॉक स्टार सम्स, जिसमें आप बोर्ड लेवल भी आराम से टच कर दोगे. क्या कर दोगे, बोर्ड लेवल आराम से टच कर दोगे, ठीक है. और जब ये मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा नवंबर तक, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट पेपर दूंगा 2-3, है ना, सभी इसका. अरे मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट जो मिलेगा आपको वो सभी चैप्टर्स का मिलेगा,
ठीक है, सभी चैप्टर जितने आपके चैप्टर हैं, और हर एक चैप्टर का भी एक एक मॉक टेस्ट होगा कि आप कितने पानी में हो भाई, वो आपको पता चलेगा। ये सारी चीजें कैसे होंगी, हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है भी, आप सोच विचार कर रही है भी, हम लोग मॉक टेस्ट कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप ये रॉकस्टार क्वेश्चन करो और मॉक टेस्ट कर पाओ, है ना, मॉक टेस्ट सारी चैप्टर कर पाओ, तब आपको क्या काम करना होगा, इसको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ये सारी चीजें करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे हम लोग को काम करने में थोड़ा मन भी लगता है, है ना, आगे काम करने में थोड़ा मन भी लगता है। तो भैया रॉकस्टार क्वेश्चन तो होगा, रॉकस्टार क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं करवाऊंगा इसे रॉकस्टार, और जो ये होने वाला है रॉकस्टार क्वेश्चन वो रॉकस्टार वे में होगा, इसमें होगा रॉकस्टार वे में होने वाला है। और ये सारी मॉक टेस्ट ये लगेंगी एकदम बाद में, जब आपका एग्जाम कुछ दिन पहले होगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि रॉकस्टार क्वेश्चन होगा कहाँ से, जो आपका टेस्ट पेपर होगा प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में जैसा जैसा क्वेश्चन आया होगा सबका सोल्यूशन के साथ कुछ अच्छा, मतलब जो क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा इन सभी का उसके साथ एक बढ़िया बढ़िया एकदम क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा, है ना, इसे आपके करके आप उसे मतलब एकदम सिक्योर कर लो अपने फिजिक्स पे नंबर भी है 90+, है ना। चलो तो आज के लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।